So in today's session, we'll be starting the next phase of the construction, right? And the next phase of the construction is basically the three important kinds or the types of constructions related to the formation of a triangle, right? Note down the first one. जो पहले एक किस्म की हमें कंस्ट्रक्शन करनी है वो है क्या? कंस्ट्रक्शन ऑफ, देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन इट्स बेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन इट्स बेस कॉमा सम ऑफ अदर टू साइड्स कॉमा सम ऑफ अदर टू साइड्स along with one base angle are given. साथ क्यों बैठे हो? वैसे ही आज कोरोना उमरी कौन, वैसी वैसी बीमारी आ गई है। अच्छा, साथ बैठ के क्वेश्चन कर रहे हो? That's great, बहुत बढ़िया, फिर गुड, कोई बात नहीं, अभी तो दिल्ली में तो है नहीं। राइट, तो अभी मैंने आपको क्या लिखवाया है कि वी नीड टू डू सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेयर वी हैव वी आर अवेलेबल विद द बेस ऑफ द ट्राइंगल, वन ऑफ द बेस एंगल इज आल्सो अवेलेबल टू अस, एंड द नेक्स्ट वन इज द थर्ड थिंग विच इज अवेलेबल विद अस इज बेसिकली द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन बोलता हूं, आप क्वेश्चन लिखिए उसे, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल, लिखो कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल Construct a triangle ABC in which AB happens to be 5.8 centimeter, BC plus CA should be 8.4 centimeter. Compass वगैरह लेके बैठना सभी, मेरे सामने यही करनी है construction आपने, 8.4 centimeter, and one of the base angle B is 60 degree. आप ध्यान से देखो, मैं इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके सामने रखूंगा, एंड यू आर सपोज टू क्रिएट इट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को समझिए पहले, वी नीड टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल, हमको करना क्या है, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, जिसका बेस जो है वो कितना गिवन है हमें, 5.8। मैंने लिखवाया ना कि बेस हमें अवेलेबल होगा, तो ये है हमारे पास बेस। ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमको एक लेंथ लेनी होगी विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द बेस ऑफ द ट्राइंगल, और जिसकी वैल्यू होनी चाहिए 5.8 सेंटीमीटर, और इसको नाम हम दे देंगे एबी, क्योंकि एबी कहा गया है, राइट और नॉट। अब हम यहां को बी को सेंटर लेंगे, क्योंकि बी पर एंगल है ना 60 डिग्री, तो हम बी को सेंटर लेंगे और कोई आर्क लेंगे, और ऑब्वियसली फिर इसे सेंटर लेंगे और सेम आर्क से कट करेंगे, तो यहां हमारे पास कौन सा एंगल आ जाएगा, विल बी अचीव्ड विद द एंगल 60 डिग्री, राइट और नॉट। सो दिस इज स्टेप टू, स्टेप टू हमारा ये था, आई थिंक सो रमनिका इज आल्सो प्रेजेंट नाउ, रमनिका आर यू लिसनिंग मी बेटा? Yes. Right, good. So what I said, we need to construct a triangle whose base is available to us, one of the base angle is also available to us, and some of the two sides in terms of the measurement is also available to us. इन तीन चीजों का यूज करके हमें ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमारा पहला स्टेप था, जो हमारे पास ट्राइंगल की बेस है हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया, और हमारे पास जो बेस एंगल है उसको हमने कंस्ट्रक्ट किया 60 डिग्री के एंगल से, राइट। अब हमारे पास सम ऑफ टू साइड्स बेटा जी कितना गिवन है, 8.4, तो बी को सेंटर लेंगे हम और 8.4 की आर्क लेंगे, एक आर्क लेंथ लेंगे, कितनी, 8.4 सेंटीमीटर। वी विल टेक बी एज ए सेंटर एंड क्रिएट एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर, राइट। और उसके बाद हम इसको नाम दे सकते हैं एज बी एक्स, राइट।
ये जो आर रिपीट ए बी हमने 5.8 लिया, एंगल बी को हमने 60 डिग्री क्रिएट किया, और जो बी सी प्लस सी ए 8.4 लेंथ है, बी को सेंटर लेकर एक आर्क लेंथ ली हमने 8.4, जो कि ये बी एक्स लाइन को कट कर रही है यहां पर, मान लिया पी पर, लेट इट कट्स हियर एट पी, ए बी एक्स, ए बी एक्स शुड बी 60 डिग्री, ए बी फर्स्ट स्टेप है, ए बी 5.8, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, टेक एन आर्क ऑफ 8.4 सेंटीमीटर, राइट, एंड विद बी एज सेंटर मेक इट एज ऑन बी एक्स एट पी, जो पी पे मिल रहा है, राइट। अब आप क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे आप, इस पी को आप इसे ज्वाइन कर देंगे, जो आपने आर्क लिया है ना उसे ज्वाइन कर देंगे, और उसको ज्वाइन करने के बाद, यानी कि हमारा फोर्थ स्टेप क्या हुआ, एक बार फोर्थ स्टेप रिपीट कर दो थोड़ा। बेटा ए बी 5.8, एंगल बी 60 डिग्री, बी को सेंटर लिया 5 8.8, फोर की हमने बी को सेंटर लेके एक आर्क क्रिएट कर दिया, जिसका जिसकी लेंथ बीपी की लेंथ कितनी है, और फिर सीधा हमने एपी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन एपी। अरे समझ बेटा, डोंट डू इट ध्रुव, अभी मत करो, पहले समझो यार, पहले जो मैं करा रहा हूं वो तरह ध्यान है ही नहीं वहां, अभी तक मैंने जो बताया क्लियर हुआ ना, बिल्कुल नहीं करना, अब ये क्लियर हो गया, राइट। पर दो आर्क्स किसकी ड्रॉइंग ड्रॉन के पास, वही एक ही आर्क है बेटा, दो कहाँ है, बी एक्स 8.4 सेंटीमीटर है भाई, बी एज ए सेंटर बी एक्स आपको क्रिएट करना है, ओके सर, बी पी क्रिएट करना है, सॉरी ये तो बी एक्स ये है बेटा, दिस इज बी एक्स, ए बी एक्स 60 डिग्री है, अभी तक कोई डाउट। फिफ्थ स्टेप है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एपी, ए को सेंटर लिया, पी को सेंटर लिया, कट किया, राइट, और इसका एक हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, मालूम है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका क्रिएट करना है, एपी का, राइट और नॉट, क्या आपको क्लियर है आज तक रमणिका। यस सर, उसके बाद द सिक्स स्टेप वुड बी ज्वाइन, अब इस ये जो लिया है ए बी से सी कह दो, ये यहां कट कर रहा है ना, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एपी है इट कट्स विच कट्स बी एक्स एट सी, इसे मैं सी कह रहा हूं, ज्वाइन ए सी, सिक्स स्टेप क्या हो गया, ज्वाइन ए सी, यहां से मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल एबीसी आया है ना, बन गया है नहीं ट्राइंगल जो हमें चाहिए, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी ये जो ट्राइंगल एबीसी है इसमें आप पाएंगे कि बी सी और सी ए की जो लेंथ होगी वो 8.4 सेंटीमीटर होगी, जब आप ट्राइंगल, अगर आपकी कंस्ट्रक्शन सही है तो आप ए सी को आप स्केल से मेजर करेंगे, फिर उसमें बी सी ऐड करेंगे, तो आंसर क्या आना चाहिए, 8.4 सेंटीमीटर आना चाहिए। लेकिन अब बात ये उठती है कि सर ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टेप आपने क्लियर किया है, इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द यूजिंग ऑफ दीज स्टेप्स,
बिहाइंड यूजिंग दीज स्टेप्स, अगर हम स्टेप्स को यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप इस कंस्ट्रक्शन को मेरे सामने अभी कंप्लीट करें। मैं दोबारा फाइनली रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्या था हमारा क्वेश्चन कि हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल हमें क्रिएट करना है जिसका बेस की लेंथ हमें गिवन है और एक बेस एंगल भी गिवन है। गिवन है ना, बेस एंगल एज 60 डिग्री और ट्राइंगल की तीन साइड होती है, दो साइड का सम भी गिवन है। तो हमें कुछ ट्राइंगल ऐसे क्रिएट करना है कि जिससे कि एसी प्लस बीसी की लेंथ कितनी आ जानी चाहिए, 8.4। तो स्टेप वन क्या था, मैंने ए बी लिया 5.8। स्टेप टू क्या है, मैंने एंगल बना दिया ए बी एक्स। स्टेप थ्री क्या था, जितनी भी सम ऑफ टू साइड्स की लेंथ है, बी को सेंटर लेकर मैंने आर्क क्रिएट कर दिया 8.4 सेंटीमीटर। चौथा स्टेप है मैंने एपी को ज्वाइन कर दिया। पांचवा स्टेप है मैंने एपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट किया विच कट्स बीएक्स एट सी। और छठा स्टेप है मैंने एसी को ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? बिल्कुल है। ये जो हम क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल है, उस जस्टिफिकेशन को मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। फटाफट पहले ट्राइंगल बनाओ और देखो क्या 8.4 आ रहा है या नहीं, करो अपने आप। कुछ चार्ज पे लगा दें यहां सामने। ऐसी पेंसिल यूज कर, देखो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, यू शुड यूज एच पेंसिल फॉर हेल्पिंग कंस्ट्रक्शन। बल्कि मैं आपको ये कहूंगा इंजीनियरिंग पेंसिल की बात बता रहा हूं, 2H पेंसिल आपको यूज करनी चाहिए। आम आपको स्टेशनरी की दुकान पे नहीं मिलेगी, आपको किसी ऐसी शॉप से लेनी होगी जहां पर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के यूटेंसिल्स मिलते हैं, एक तरीके से स्टेशनरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो वहां पर 2H पेंसिल को आप यूज करेंगे हेल्पिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। हेल्पिंग कंस्ट्रक्शन क्या है, हुई ये जो ए बी एक्स बनाना हो गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हेल्पिंग कंस्ट्रक्शन है। जो मेन ट्राइंगल है ना एबीसी, वो एच पेंसिल से बनाना है, एचबी पेंसिल यूज नहीं करनी है। एचबी पेंसिल यूज करने से कहीं ना कहीं डायमेंशन में फर्क आ जाता है, क्योंकि इसका जो लेड है, इसका जो ग्रेफाइड है, वो बहुत ज्यादा डार्क है। वहां लगाना चाहिए थे, एक के ऊपर क्यों लगा रखे हैं, वैसे भी लाइट स्पार्क किया था ना, जब भी स्विचेस की कमी नहीं है तो वहां लगा, देखना ही नहीं आपको।
हाँ भाई बताओ, बना थोड़े कंस्ट्रक्शन का कहीं ना कहीं स्टेप गलत किए। किसकी ए सी प्लस बी सी किसका 8.4 आ गया? गलत है फिर, प्रोसेस में गड़बड़ है, दोबारा करना। एनीबडी हु इज कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग द आंसर ए सी प्लस बी सी एज 8.4? अब नहीं आया सर डूइंग सर आई सर आई गॉट 8.4। रामनिका आपका? यस सर आ गया। अब नहीं अभी? यस सर अब आ। आपका बेटे अपन भी बाइसेक्टर करोगे 8.4 आना चाहिए, आया नहीं आया? अब मैं इसका जस्टिफिकेशन बता रहा हूं, पहले आप यहां फोकस करें। आपको याद है मैंने लोकस का मतलब समझाया था आपको, सर्कल की डेफिनेशन दी थी जब। चलो मैं लोकस का मतलब बताता हूं आपको, लोकस ऑफ ए पॉइंट, शायद टेंथ में बताया था अभी। लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट इज द ज्योमेट्रिकल फिगर, ध्यान से सुना, लोकस ऑफ ए पॉइंट is a geometrical figure under the given condition, under the given condition, yani ki locus of a point ko hum other language mein kahe to movement of a point hai, iska matlab kya hai, movement of a point, ek the given condition ke aadhar par jab point move karta hai usse jo figure banti hai usko hum locus kehte hain, kya ye baat clear hui? Jaise main isko ek example ke taur pe bataun aapko, please sab yahan dekhiyega, ये सर्कल की डेफिनेशन है, देखो ये सर्कल है या नहीं है, अब मैं इसकी डेफिनेशन देता हूं आपको। सर्कल का क्या, ये रेडियस है सर्कल में, ये सेंटर है, ये भी रेडियस है, नहीं ये भी रेडियस है, क्या रेडियस की लेंथ अलग अलग होती है सर्कल में, सेम होती है या नहीं? तो अगर मैं सर्कल को डिफाइन करूं तो कैसे करूंगा, दैट इज व्हाट वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, जो हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है सर्कल, उसमें सर्कल की डेफिनेशन क्या होगी ध्यान से सुनो। सर्कल इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, मान लिया ये पॉइंट कोई पी ले लिया, सर्कल इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे, जो कि लगातार मूव करता है, विच मूव्स इन सच ए वे, मूव कर रहा है इन सच ए वे दैट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ड्यूरिंग इट्स एंटायर जर्नी From a fixed point, remains be constant, remains be constant. हमेशा क्या होगा, constant होगा। तो वो जो movement है point P की, उसने एक जो figure हमारे को दी बनाकर, उस figure का नाम क्या हुआ, circle। तो मैंने कहा ना circle क्या है, circle is defined as the locus of a point which moves in such a way that its distance from the fixed point remains be the same. तो इसका जस्टिफिकेशन बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि द पॉइंट, द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स, लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स, अलिए दो पॉइंट्स है, लोकस ऑफ ए पॉइंट, बेटा कहां ध्यान है, मैं पढ़ा रहा है यहां रहा हूं, वहां ध्यान दो, इसकी तरफ अभी छोड़ दे इसको, मैं समझा रहा हूं। लोकस ऑफ ए पॉइंट इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज, यहां लेते हैं ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंट, मतलब इक्वी डिस्टेंस पर, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। अगर इन दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं, कर दिया या नहीं, अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो एक लाइन बन गई, बन गई या नहीं। और अब ये जो पॉइंट पी मैंने लिया है, इसको मैं मूव इस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एबी का,
आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। तो ये जो पॉइंट पी, इफ इट मूव्स अलोंग द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो चाहे पॉइंट पी यहां है, चाहे पॉइंट पी यहां है, चाहे पॉइंट पी यहां है, चाहे पॉइंट पी यहां पर होगा या यहां पर होगा, हर पोजीशन पर पॉइंट पी जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, इस ए से और बी से समान दूरी पर होगा। यहां होगा तो भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। यहां होगा तो भी डिस्टेंस क्या होगा बेटा, सेम होगा। यहां होगा तो भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो व्हाट आई सेड, व्हाट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, राइट, दैट शुड मूव इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट, राइट, रिमेन्स बी द सेम एंड इज ऑलवेज बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। एंड एवरी पॉइंट दैट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एवरी पॉइंट दैट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज ऑलवेज बी इक्विडिस्टेंट, इज ऑलवेज बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट क्रिएटिंग ए लाइन। क्या ये बात समझ आ गई? मतलब यहाँ पर जो पी वाली लाइन है वो लोकस हो गई। हाँ, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो लोकस हो गया। ओके सर। मैंने क्या कहा, व्हाट शुड बी द लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट, राइट, द कंडीशन इज दैट इट दिस पॉइंट हैज टू बी एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इट्स ऑलवेज बी व्हाट, इट्स ऑलवेज बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स, खत्म। क्या ये बात क्लियर है? अगर आपको ये बात क्लियर है तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर आपको इसका आंसर समझ आ जाएगा। अब मैं इसका जस्टिफिकेशन बता रहा हूं। जस्टिफिकेशन इसका ये कहता है कि हमें क्या गिवन था, बी सी प्लस सी ए किसके इक्वल है, 8.4, राइट। मैंने आपसे क्या कराया, मैंने एपी को ज्वाइन कराया, और एपी को ज्वाइन कराने के बाद मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट कराया या नहीं कराया? तो एपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, इजंट इट सी इज द पॉइंट दैट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एपी, सी इज द पॉइंट दैट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एपी, एक पॉइंट है, पी एक पॉइंट है, दोनों अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट है, राइट और नॉट। और अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और सी इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो सी का डिस्टेंस ए से भी और पी से भी सेम दूरी पर है या नहीं है? Isn't it? CP is equal to AC. हम कॉन्करेंसी से भी इस बात को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये प्रूव्ड मान के चल रहे हैं, हम कर सकते हैं, हमने किया भी है, ऐसे हमने क्वेश्चन किया भी है, राइट। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, अभी आपको बता दूंगा किस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी में से। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर CP इक्वल टू AC है, तो हमारे पास BC प्लस CA, हमारे पास क्या गिवन है यहां पर, BC प्लस CA 8.4 हो रहा चाहिए, यही है ना, ये होना चाहिए जो हम ट्राइंगल बनाए। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर मैंने बेटा जी क्या कहा था आपसे, BP किसके इक्वल होना चाहिए, ये नहीं है ना, BP की लेंथ 8.4 होनी चाहिए। ये जरा ध्यान से देखो, ये BP क्या है, BP है BC प्लस PC, नहीं बोलो भाई, BC प्लस CP इज इक्वल टू 8.4 और नॉट, BC प्लस CP इज 8.4, तो क्या मैं, क्या मैं CP की जगह AC नहीं लिख सकता, हो गया जस्टिफाइड, राइट और नॉट। मैंने CP की जगह क्या लिख दिया, AC। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं? Yes, sir. Hence the answer, यही इसका आंसर होगा, ये जस्टिफिकेशन क्लियर हुआ है नहीं? परपेंडिकुलर करके तो आया भाई, मैंने बीपी की लेंथ को 8.4 क्यों कहा था काटने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है बीपी किसका सम है, बीसी और सीपी का सम है,
और मैं जानता हूं सीपीएसई के बराबर है, आ गया है नहीं आंसर पे, राइट। इस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना क्लास के बाद और करके तब दिखा के जाना है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। फाइन, इसी तरीके से आप मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ। सेकंड क्वेश्चन, एक ट्रायंगल बनाना है आपने एबीसी, जिसमें बेस गिवन है बीसी के फॉर्म में 3.8 सेंटीमीटर, एंगल बी है 45 डिग्री और ए बी प्लस ए सी का सम है 6.8 सेंटीमीटर। प्लीज स्टॉप राइटिंग, यहां देखिएगा, मैं अब तेजी से इसका कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, अभी आप करेंगे। पहला स्टेप मेरा क्या होगा, आई शुड टेक बेस 3.8, ले लिया मैंने 3.8। दूसरा स्टेप क्या होगा मेरा, दूसरा स्टेप होगा मेरा 45 डिग्री का एंगल बनाना, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहां पर 90 का एक एंगल बनाऊंगा, जब मैं 90 का ये एंगल बनाऊंगा तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर ले लूंगा एंगल का 90 का, ये मैंने ले लिया 45 डिग्री, इसको बेटा जी मैं नाम दे रहा हूं बी, इसे कह रहा हूं सी, ध्यान से देखिएगा, इसे कह रहा हूं एक्स, मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये एंगल कितना डिग्री का हो गया हमारा, 45 डिग्री का। अब ए बी प्लस ए सी का सम कितना है, 6.8, तो मैं सी को सेंटर लूंगा, कंपास के थ्रू 6.8 की एक आर्क क्रिएट कर दूंगा, 6.8, बिल्कुल वही कर रहा हूं ना जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में किया। और फिर मैं बीपी को ज्वाइन कर दूंगा और फिर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूंगा, और जो मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूंगा इसका, उसके बाद मैं इसे ज्वाइन कर दूंगा और मैं पाऊंगा कि ए बी प्लस ए सी का सम कितना आएगा, 6.8 सेंटीमीटर। गॉट इट और नॉट? एंगल बी को 45 डिग्री करना। ओहो, एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, मैंने इसको कर दिया। कोई बात नहीं, एंगल सी कर देता हूं मैं, ठीक है। एंगल बी से आप बना देना, ये आपका होमवर्क हो गया। एंगल बी से 45 डिग्री आप करेंगे, कर लोगे ना? यस सर। राइट, बी पे बनाओगे, फिर यहां पर बीपी कट करोगे 6.8 और फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दोगे, बताऊं या कर लोगे अपने आप? हाँ हैं, हाँ आप सेकंड क्वेश्चन को अभी ट्राई करो, मैं इसका रफ बना रहा हूं, आप इसका फेयर अपने आप करो, मेरे आंसर को मत देखना। ये है क्वेश्चन, एक फटाफट, डिस्कसिंग एक्सरसाइज 11.2। यस बेटा जी। यस सर।
हो गया। अगर हो गया तो बताओ बेटा, अदरवाइज फिर मैं बताऊं। ठीक सर, पूरे सैंपल पर रिवाइज कर लिया आप लोगों ने? यस यस सर, अभी सैंपल पेपर ही कर रहे हैं मैं। रात के 10 बजे तक कंटिन्यूस पढ़ो, चाहे 10 बजे के बाद नहीं पढ़ना, तो जाना है जल्दी, ठीक है ना? नींद अच्छी आनी चाहिए आज। यस और मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, आई अश्योर यू 95% प्लस पेपर, 100% हमारे पेपर उसमें से आएगा। प्रैक्टिस में जो भी हमने किया है या आपके मुंह से गिलवा दूंगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हमने कम से कम 30 से ऊपर टेस्ट लिए हैं खाली मैथ के, 90 मिनट के पूरे सिलेबस के, कहां से पेपर खराब हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन सेकंड सेशन के अंदर कॉपरेशन ऐसा होना चाहिए जैसे शगुन नज किया, जैसे स्टूडेंट्स का रहा है। 25 मिनट पहले पेपर खत्म कर लिया साइंस का, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, गारंटेड है, ऐसे सबका होना चाहिए। सेकंड टर्म तो वैसे भी सब्जेक्टिव है, पूरा सब्जेक्टिव है ऑलमोस्ट। तो हमें सेकंड टर्म के अंदर जब मैं क्लास शुरू करूंगा तो आज का काम अगली क्लास से पहले मुझे करके लाना है। और अब तो हर क्लास के बाद टेस्ट है, बहुत पिक्चर क्लियर कर देगा, ठीक है? यस पूरी मेहनत करो बेटा, सेकंड टर्म अच्छा जाना चाहिए, और प्रे करो कि ओमिक्रॉन ना है। मैं कह रहा हूँ शुरू तो मैच करनी चाहिए बहुत अच्छा है अगर आप 6-7 बजे उठ के करते सर, हो। मैं 5 o'clock नहीं उठना 5 बजे, अगर रात को 12 बजे सो तो 5 बजे मत उठो भाई, फिर 7-8 बजे सर, उठो। ये मैं 10:30 ऐसे सो हाँ तो फिर ठीक, फिर भी 6 बजे उठना कर, सर, पांच नाइन बजे उठना। थर्टी हो ही जाता है उसका। हाँ क्या, मैं 7 बजे उठूंगा, पेरेंट्स को कह देना 7 बजे से पहले मत उठाना। अरे जो 6 महीने में जिसने पहाड़ में तोड़ा, वो एक दिन में क्या तोड़ ले, 2 घंटे में क्या कर ले? तो एसएसटी का 2 दिन में हो गया तुम एसएसटी के, तुम सुपर सोनिक हो। मैथ ऐसा नहीं होता, मैथ में ना दिमाग का स्टेबल होना भी जरूरी है, राइट? बेसिक है तुम्हारा, ये तुम सबका तो स्टैंडर्ड था। है, ये स्टैंडर्ड तो वैसे ही डॉक्टर तो बनना भाई है। जान लगा दे, पर मुझे कपिल बता रहा था, बड़ी खुशी हुई सुन के। हाँ क्या आया था ऋषि आंसर, आ गया? आप मैं बताऊं, किसी यस सर, आ गया को डाउट है तो पूछो मुझसे। रमनिका सर, बेटा 3.5 के लिए भी हम सेम ही करेंगे या फिर हमें और कोई वैल्यू सिर्फ वही मिलेगी? करना है, 3.8, कोई नहीं, बिल्कुल। वो तो गिवन होगी ना डायमेंशन, तो आपको हो यस सर, गया ना? है? नहीं हो रहा? सर मेरे ले माइंड में ले ले, अब ध्यान से अपने आंसर को देखो, कॉपी करोगे देखोगे कैसे ये बीसी कितना। बेटा मैं दोबारा बता रहा हूं, ये है हमारा बी सी, कितना बताया उसने, 3.8। ध्यान से सुनो, फिर उसके बाद मुझे एंगल बनाना है 45 डिग्री का। मैं सीधा लिख दूं 45 डिग्री का एंगल, ये बन गया मान ले 45 डिग्री का एंगल, 90 का बाइसेक्टर बनाना होगा ना। इसको मैंने नाम दे दिया एक्स। अब मैं बी को सेंटर लूंगा, और सम कितना गिवन है, 6.8। सबसे पहले तो एक काम करो, एक है ना यहां देख आदि, सबसे पहले तो एक रफ ट्राइंगल बना लो, ये है 3.8, तो ये होना चाहिए हमारा ए बी सी, ये 45 डिग्री का,
तो ए बी प्लस ए सी कितना होना चाहिए हमारा 6.8। तो अब बी को सेंटर लूंगा और बीपी कितना लूंगा मैं 6.8। क्या अब क्लियर है 6.8 लूंगा मैं इसे राइट। और 6.8 लेने के बाद मैं अगला काम क्या करूंगा, मैं सीपी को ज्वाइन कर दूंगा। सीपी को ज्वाइन करने के बाद मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूंगा सीपी का। ये ले लिया मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लिया एक तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सी को सेंटर लेके बनाना था ना, सीपी की हाफ लेंथ से ज्यादा लेकर जो यहां टकराया इसको, हाँ हाफ से ज्यादा होनी चाहिए। बहुत ज्यादा क्या, सीपी से बड़ा थोड़ा ना लोगे, मतलब सीपी और हाफ के बीच में 4 सेंटीमीटर ले लिया अगर सीपी 6 सेंटीमीटर है तो। सीधी आएगी बेंट क्यों आएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कभी टेढ़ा आता है, सीधा आएगा और वो जो है बीपी को टकराएगा ये पर, जैसे ही वो टकराएगा ये पर उसको ज्वाइन कर दो। तो आप क्या पाओगे, आप इसका जो सम आएगा ना ए बी प्लस ए सी का जो सम होगा वो कितना आएगा हमारा 6.8। क्या ये यही इसी तरीके से किया था, हाँ तो कोई गलती होगी होगी ना सर, वो तो आप कर लेना अभी ठीक। रमनी का क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है अब थर्ड नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में ये नंबर सर AB माइनस AC इज इक्वल्स टू 3। वो अभी मैं नहीं आया वहां अभी मैं नहीं पहुंचा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं उस ट्रायंगल की जिसका बेस गिवन है, जिसका बेस एंगल गिवन है, जिसकी सम ऑफ टू साइड्स गिवन है। Okay, आप सब्ट्रैक्शन ऑफ टू साइड्स की बात कर रहे हो, अभी हम वहां नहीं पहुंचे। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना ये होमवर्क है आपका राइट right? जिसका बेस है राइट एंगल ट्रायंगल के बेस की लेंथ गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड्स इज 18 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। ये आपका होमवर्क है, आप घर पे करेंगे। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का पहला कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, अब आप बड़े आराम से कर सकते हो और सबका लॉजिक सेम होगा। अब हम नेक्स्ट फेज की तरफ जा रहे हैं। देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल construction of a triangle when its base difference of its two sides and one base angle are available to us, difference of its two sides and one base angle is available to us, राइट चलूं आगे। आप एक क्वेश्चन लिखिए, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। आपको एक ट्राइंगल बनाना है बेटा, यहां उस ट्राइंगल का बेस ए बी गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर, एंगल ए गिवन है आपको उसका 30 डिग्री और दो जो साइड्स हैं उनका डिफरेंस, पहले क्या गिवन था हमें सम, अब क्या है डिफरेंस गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। तो मैं बता रहा हूं आप इसे कैसे करेंगे, प्लीज यहां देखिए, पहला बेस गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर, एंगल है हमें कितने डिग्री का बनाना है 30, विच इज द बाइसेक्टर ऑफ
60 कर लोगे तो मैं नहीं बना रहा, वो आपको खुद बनाना है। हाँ एंगल ए 30 है तो एंगल ए पर ही बनाएंगे 30 डिग्री, और इसका नाम दे दिया मैंने बी ए एक्स एज 30 डिग्री। उसके बाद विद ए एज सेंटर, विद ए एज सेंटर और सब्ट्रैक्शन की लेंथ कितनी है 2.5, एपी लेंगे कट करेंगे AX को 2.5 सेंटीमीटर और BP को ज्वाइन कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है, कोई डाउट, कुछ पूछना है यहां तक? देखो सारे स्टेप को, आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब क्या करना है, अब BP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट करना है आपने, BP का, राइट, BP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम क्रिएट करेंगे। ये देखिए, ये ले दिया मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। तो हमें यहां पर बीपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरीके से लेंगे, देखो ये मैं यहां पर ले रहा हूं, तो हाउ कैन इट शुड कट, कैसे कट करेगा ये, जस्टिफिकेशन आपको मैंने पिछले केस का बताया है, आप मुझे हिंट दो अब मुझे क्या करना चाहिए। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जैसे ही हम एक लेंथ को लेते हैं उसको ज्वाइन करते हैं तो हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीपी का लेंगे, अभी बताया था मैंने आप करके भी दिखाया था, पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब मैं बता रहा था तो मैं कुछ आपसे जानना चाहता था। चलो मैं आपका काम आसान कर देता हूं, मैंने ये क्रिएट कर दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका बीपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बीपी, क्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पेन है मेजरमेंट के साथ मैं नहीं कर पा रहा। तो ये जो बीपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये जो एएक्स को कट करेगा तो यहां सी पे कट करेगा, और अब मैं क्या करूंगा, मैं बीसी को ज्वाइन कर दूंगा। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने ट्रायंगल एबीसी बना दिया या नहीं बना दिया, बना दिया नहीं, एबीसी ट्रायंगल है। अब ध्यान से देखिए, एबी एसी माइनस बीसी कितना गिवन है, प्लस 2.5, राइट और नॉट, भाई 2.5 का मतलब क्या, प्लस, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़े में से छोटे को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी तो प्लस आता है, यानी AC माइनस BC हमें क्या बता रहा है कि AC इज ग्रेटर देन BC। तो मेरी कंस्ट्रक्शन में साफ दिखाई दे रहा है यानी कि AC इज ग्रेटर देन BC। अब आप जब AC की लेंथ को मेजर करेंगे और BC की लेंथ को मेजर करेंगे और दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पक्का आपका आंसर क्या आएगा, राइट और नॉट। मैं इसके स्टेप्स को एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ए बी मैंने लिया है 5 सेंटीमीटर, फिर मैंने बी ए एक्स को 30 डिग्री बनाया, फिर मैंने ए को सेंटर लेके कंपास से एपी लेंथ लिया 2.5, फिर मैंने बीपी को ज्वाइन किया,
और बीपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया जो कि AX को C पे कट करता है, और मैंने सिंपली C को B से ज्वाइन कर दिया। अगर ये सारा काम मैंने ठीक किया है तो डेफिनेटली AC की लेंथ को जब मैं माइनस करूंगा BC की लेंथ से तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.5। अब ऐसा क्यों है, दैट इज व्हाट वी नीड टू थिंक। अगर ध्यान से देखिए आप, मैंने AP लिया था ना कितना, 2.5, राइट और नॉट। ये AP क्या है बेटा, ध्यान से देखो, दिस AP इज व्हाट, AP इज AC माइनस CP, नहीं, AP इज AC माइनस CP, राइट, और BP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर C लाई कर रहा है या नहीं, C lies on the perpendicular bisector of BP. So CP must be equal to BC. अभी बताया था मैंने, नहीं? तो मैं यहां CP की जगह BC लिख सकता हूं या नहीं, आ गया ना, जस्टिफाइड हो गया या नहीं। CP equal to BC, ये नहीं समझ में आया था मैंने लिखा था यहां पर, जैसे सीपी की जगह मैंने बीसी लिख दिया। क्लियर है, सर वो आगे अड़ गया होगा ना, एक नहीं सर, ये आपने यहां, हाँ यहां, मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूं ना, प्रूफ कर रहा हूं कि मैं कर क्यों रहा हूं ये कंस्ट्रक्शन। क्या ये क्लियर हुआ जस्टिफिकेशन रमनिका? यस सर। अब बनाओ इसको जरा करके देखो क्या आ रहा है या नहीं आपका आंसर, अभी करो, डू इट राइट नाउ। कोई नहीं लिखने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछ रहा, लिखना नहीं है, ये बटन डस्ट हो गया, राइट। लॉजिकली बात कर रहे हो ना आप? यस यस सर। सिद्धार्थ आज मैं तेरे से भी बहुत खुश हूँ, आज तूने बड़े अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे हैं, और पूछे नहीं बताए हैं, बल्कि दर्शोस की तेरी प्रिपरेशन भी अच्छी है। आदित्य तुम तो करोगी, अच्छा भरोसा हो गया मुझे, सेम विद यू। सर मैं ग्राफ वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, लीनियर इक्वेशन में बनाने नहीं आएंगे, सही कहा, कॉन्सेप्ट होगा उससे रिलेटेड है, तो सही सैंपल होगा। आजकल का केस स्टडी पेज क्वेश्चन एक बार बोल रहे हैं, वो नहीं है सेशनल रैंक, प्लीज नहीं मत पूछ।
आने दो ना, क्या फर्क पड़ता, कुछ भी आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैथ में भी नहीं घबराने की जरूरत है, आसान है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो कैसे ही तोड़ मरोड़ के पूछ लो क्वेश्चन, क्या फर्क पड़ता है। केस स्टडी बना के पूछ लो, एमसीक्यू में पूछ लो, मल्टीपल में पूछ लो, एसर्शन रीजनिंग पूछ लो, अगर हमें क्लियर है तो आंसर हमसे बच नहीं सकता, और क्लियर नहीं है तो सामने लिखा क्वेश्चन भी आंसर नहीं दे सकते। एसी में से किसको माइनस, बीसी तो है क्वेश्चन, एसी माइनस बीसी। रमनिका आया बेटा? सर आई एम जस्ट ऑन द लास्ट स्टेप ऑफ। हाँ हाँ करो करो, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे, क्या 5.5 में से। पर नहीं, पेंसिल यूज मत करना, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो मेन ट्रायंगल है ना एबीसी, वो बनाना है एच पेंसिल से, बाकी की सारी कंस्ट्रक्शन जिसे हम हेल्पिंग कंस्ट्रक्शन कहते हैं, एक्चुअली हेल्पिंग कंस्ट्रक्शन इज द वन विच हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द रियल आंसर, उसको 2H से करना, वो बहुत हल्की पेंसिल होती है। तो दिखना क्या चाहिए, जो मेन कंस्ट्रक्शन है ना वो डार्क दिखनी चाहिए, बाकी सब लाइट, क्योंकि डिजाइनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन के भी मार्क्स हैं। और एचबी पेंसिल इज एक्सट्रीमली डार्क पेंसिल, उसका लेड है ना पेपर पे फैल जाता है, तो डायमेंशन एनालिसिस में वैल्यू में फर्क आ सकता है, एरर आ सकता है, सो डू नॉट यूज इट। हाँ बेटा 2H है हेल्पिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, बहुत हल्की होती है वो, बहुत हल्का लेड होता है उसका, एच जो है मेन कंस्ट्रक्शन के लिए। पेरेंट से कह देना वो आप खरीद के ला देंगे। Should I proceed? अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जब कभी भी ना सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो पहले उसको ना इमेजिन करो, कंस्ट्रक्शन करने से पहले उस ट्रायंगल को इमेजिन करो। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर गिवन है AB5, तो आप सीधा पहले ना एक रफली बना देना AB5, फिर वो कह रहा है AC माइनस BC 2.5, तो पक्की बात है AC बड़ा है BC से, तो एक ऐसा साइड लो AC जो BC से बड़ा दिखना चाहिए, तो कुछ ट्रायंगल ऐसा बनेगा, बनाया नहीं ऐसा, तो पहले आपके ब्रेन में होना चाहिए कि ट्रायंगल की शेप कैसी आएगी, वो पहले से प्री इमेजिन हो जाना चाहिए, राइट और नॉट। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आज की क्लास का 5th क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल बनाना है मुझे एबीसी जिसमें बीसी गिवन है मुझे 5.6 सेंटीमीटर और एसी माइनस ए बी गिवन है मुझे 1.6 सेंटीमीटर और एंगल बी है 45 डिग्री। तो ध्यान से देखो, पहले मैं बी सी लूंगा 5.6 सेंटीमीटर, फिर मैं ए सी माइनस ए बी है तो सीधी सी बात है ऊपर ही ए आएगा कहीं ना कहीं, तभी तो एबीसी बनेगा। लेकिन एसी माइनस एबी का मतलब क्या हुआ, एसी किससे बड़ा है, तो आप कुछ इस तरीके का ट्रायंगल पाएंगे इस बार, नहीं
इसका उल्टा आ गया ना टूवर्ड लेफ्ट साइड वर्टिकल एंगल अच्छा बी 45 डिग्री क्यों ना सॉरी फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इसका तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया ये है बी सी 5.6 डी को बना दो 45 डिग्री फिर ए सी माइनस ए बी तो यानी कि यू होना चाहिए ट्राइंगल ए सी माइनस ए बी राइट वर्टिकल एंगल है तो वही शेप लेकिन एंगल की इंपॉर्टेंस हो गई ठीक है राइट बेटा तो अब मैं बता रहा हूं करेंगे कैसे प्लीज यहां फोकस करिए बहुत ध्यान से देखिएगा मैं यहां क्या कर रहा हूं सबसे पहले तो मैं वही लूंगा My first job is to take BCS 5.6. फिर एंगल B 45 डिग्री का है तो मैं 45 डिग्री का एंगल बना दूंगा दिस इज 45 डिग्री अब ध्यान रखो प्लीज यहां पर वर्टिकल एंगल ट्रायंगल का वर्टिकल एंगल राइट साइड में है ना और यहां पर वर्टिकल एंगल लेफ्ट साइड में बोलो हैं yes. तो जब कभी भी वर्टिकल एंगल लेफ्ट साइड में होगा तो आप बी एक्स को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे ट्रायंगल का ऊपर का एंगल वर्टिकल एंगल किसी भी ट्रायंगल में ए जो होता है ये वर्टिकल एंगल ये भी वर्टिकल एंगल हो गया तो जब कभी भी हमारे पास वर्टिकल एंगल लेफ्ट साइड में होगा तो हम इस सी बी एक्स एंगल जो हमने 45 डिग्री बनाया है उसके बी को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और नाम दे देंगे उसे एक्स डैश और हम पाएंगे कि ए सी माइनस ए बी कितना गिवन है फिर बी को सेंटर लेकर एक कंपास यहां क्रिएट करेंगे 1.6 का 1.6 सेंटीमीटर का क्लियर है और इसका नाम दे देंगे बीपी और फिर इसे ज्वाइन कर देंगे कर दिया फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे हम सीपी का राइट तो सीपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा राइट ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ध्यान से देखो ये बीसी यहां कट कर रहा है ना ये राइट और उसके बाद अब इस ए से इस सी को ज्वाइन कर देंगे आ गया ट्रायंगल एबीसी ये बहुत छोटा दिख रहा है यहां पर आ गया है नहीं और हम क्या पा रहे हैं कि ए सी नहीं दिस ये तो क्लियर था ना कि बीपी 1.6 लिया उसके बाद सीपी को ज्वाइन कर दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीपी का जो बीएक्स को ए पे कट कर रहा है ये रहा ना बीएक्स उस पे ए पे कट कर रहा है नहीं यहां पर ए को सी से ज्वाइन कर दिया बन गया एबीसी ध्यान से देखो एसी माइनस एबी बड़ा है ना एसी इज ग्रेटर देन एबी दिख रहा है नहीं कि एसी इज ग्रेटर देन एबी वर्टिकल एंगल लेफ्ट साइड में आ गया है नहीं ट्रायंगल ये
ये वर्टिकल एंगल लेफ्ट साइड भी कहलाता है और ये वर्टिकल एंगल राइट साइड भी कहलाता है ट्राइंगल का। क्लियर? प्लीज टेल मी सर, जो वर्टिकल एंगल हुआ वो जो सबसे ऊपर वाला एंगल है वही होगा? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके सर, नाबर्स का एबीसी क्या बेटे? सर ये ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए 45 है ना? एंगल ए थोड़ा ना, ये है 45 डिग्री। 45 डिग्री तो CBX है ना, तो बी ऑलरेडी 45 डिग्री है, इसी तो मैंने लिखा CBX। क्या क्लियर नहीं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BX को कट नहीं कर रहा क्या ये पर? यस सर। यार ए को सी से ज्वाइन कर दिया, बन गया ट्रायंगल, खत्म। और क्या है? एंगल बी तो ऑलरेडी 45 डिग्री का बना हुआ है, उससे घबराने की क्या जरूरत है? मैं तो रफली कर रहा हूँ ना, इसलिए ट्रायंगल बहुत छोटा दिखाई दे रहा है ए बी से, फेयर करोगे तो बड़ा दिखाई देगा। दोबारा बताऊं? अब इसकी वो देखते हैं हम जस्टिफिकेशन। बीपी मैंने कितना लिया था? 1.6। ये जो बीपी है क्या मैं इसे लिख सकता हूं एपी माइनस एबी, ये है ना बीपी। ये है ए बी, ये हमारा 1.6। तो आप देखिए यहां है ना बीपी इज व्हाट? एपी माइनस ए बी, राइट? क्या ये क्लियर है? मैंने जो लिखा किसके इक्वल है? 1.6। अब आप ध्यान से देखो, दिस बीपी इजंट इट इज इक्वल टू बीसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। इस AP की बात कर रहा हूं, सॉरी AP, A जो है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अप्लाई कर रहा है नहीं, तो AP का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस सेम होगा या नहीं? भाई मैंने CP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया था जो कि BX को A पे कट कर रहा है, तो A CP के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, ए जो है वो सीपी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, तो ये जो एपी है और ये जो एसी है ये सेम नहीं आ गया? एपी और एसी आर सेम। Then I'm still not clear with a little bit of construction when you took x first step, please ध्यान से देखिएगा 5.6. This is 5.6. Second step. Degree angle. जीरो मिलेगा डी से। क्लियर है? यस सर। थर्ड स्टेप, ई को पीछे लेके जाओ, यानी कि एक्स डैश बी और एक्स स्ट्रेट लाइन है या नहीं? यस। नाम दे दिया है कुछ, लाइन का नाम दे दिया, कुछ और भी दे सकते हैं, जेड भी दे सकते हैं, तुम्हारे अपने ऊपर। यहाँ एक्स लिया है मैंने, यहाँ एक्स डैश ले लिया। कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स नहीं लेते हम, इधर एक्स इधर एक्स डैश, वैसे किया है। यहां तक कोई रमनी का डाउट? फिर एसी माइनस ए बी गिवन है हमें 1.6, तो बी को सेंटर लो प्लीज
और यहां आप बीपी लो 1.6 और उसके बाद सीपी को ज्वाइन कर दो, कोई डाउट? नो सर। फिर सीपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो, ये ले लिया। ये ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,